गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अभी अभी मैं भी घर वापस आ रही हूँ ड्यूटी से। देखो धूप, देखो 12 बजने को आया है तो धूप तो ऐसे ही होगा। और प्रीतम के पापा ने मुर्मुर के चावल बाहर दे दिया है, इधर कचरा साफ करके रेडी करके रखा है। भाजी बनेगा और पार साग वो भी रेडी करके रखा है। तो आज दो ही आइटम बनेंगे, उसके साथ अंडा या मछली, देखती हूँ क्या बनता है। क्या मछली नहीं लाए तो अंडा बनेगा और वो मेरे स्कूल के लिए बरबटी। तो चलो अभी नहा लिया है, घर की सफाई भी हो चुकी है, जल्दी जल्दी लंच तैयार कर लेते हैं। तो अभी पार साग गया गर्म पानी के अंदर, इसमें पहले से ही नमक डाला हुआ है, बस ये बॉयल होते ही छौंका लगा दो लहसुन और मिर्च के साथ। और कचरा भी नमक और हल्दी के पानी में जाएगा, फिर बॉयल होने के बाद इस पानी से निकाल कर अच्छे से धो लो, फिर वैसे ही लहसुन और मिर्च के साथ फ्राई कर लो, बस बन के तैयार हो जाएगा एकदम सिंपल लंच, ना कोई झंझट ना कुछ। हाँ, ये सब साफ करने में, रेडी करने में टाइम जाता है, झंझट होता है बहुत ज़्यादा, जो करते हैं मेरे हस्बैंड जी। तो मुझे क्या, मैं तो सिर्फ ये बॉयल करके दे रही हूँ, फ्राई भी वही करेंगे अपने हिसाब से, लहसुन के साथ ही छौंका लगाना हो, फ्राई करना हो, लेकिन वही करेंगे, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ऑमलेट बना रही हूँ, ये मेरे लिए है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाना बनते ही बैठ जाऊँगी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। ड्यूटी से आओ, घर की सफाई करो, नहा लो, लंच तैयार होते होते ही खाने का टाइम हो जाता है। कोई कोई दिन तो मैं लेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो जल्दी खाना होता है, भूख लगती है बहुत ज़्यादा मुझे, तो क्या करें बोलिए, भूख लगती है तो क्या करें। कुछ दिन पहले ससुराल गई थी, वहाँ पर भी सासू माँ बोली पहले खा लोगे, लेकिन मुंह देखकर लगा कि खुश नहीं है, घर के सब खाए फिर बहू खाए तो अच्छा ना, लेकिन मैं तो पहले ही बैठूंगी तो क्या होगा। और नहीं मुझे खाना दिया तो मैं नहीं जाऊंगी, वो जानती है, इसलिए एक बजते ही बोला खा लो तुम खा लो, फिर बच्चों को खिलाना। हाँ, तो ये देखिए थाली रेडी कर लिया है, अभी आराम से फैन के नीचे बैठ कर खाऊंगी। फिर प्रीतम और प्रीतम के पापा जब बोलेंगे तब उन्हें दूंगी, वो तो अभी नहाने गए, दोनों अभी नहा रहे हैं, और तब तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बोलो ना 44 होता ही है रोज़। तो इसमें ऐसा लंच हो तभी अच्छा है, सेहत के लिए भी, खाने के लिए भी। मसालेदार चीज़ें तो मतलब दूर से नमस्कार, खाया तो जानता ही नहीं, देखते ही कैसा हो जाता है, नहीं नहीं दूर भगाओ। और यही सिंपल बढ़िया सी लंच खाकर आराम से सो जाओ बस, और कुछ ज़्यादा काम वाम मत करो, मर जाओगे। हाँ, और धूप से आती हूँ ना और ज़्यादा ऐसा लगता है। तो जी लंच कंप्लीट, और किचन की सफाई भी हो चुकी है, बर्तन भी धो लिए, सारे काम कंप्लीट, अभी सोने की बारी। ऐसे ही रात को एकदम नींद नहीं आई, जिस तरफ घूमो पसीना, जिस तरफ घूमो पसीना, भीगी हुई एकदम, तो कैसे नींद आएगी। फिर 5 बजे तो उठी गई, घर के काम ड्यूटी वगैरह, अभी तक बैठने का टाइम नहीं मिला। तो चलो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, प्रीतम भी आ चुका है, खाना तीनों ने ही खा लिया है। और क्या जी, बाहर धूप इतनी तेज, मैं एक बार गई कपड़े उठाने लगा के अभी मर जाऊंगी, दौड़ के घर में घुस गई क्या। तो चलो अभी रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को बातें करूंगी। देखो आंखों में नींद एकदम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप लोगों से मिलने, चेहरा देख ही रहे हो, हालत देख ही रहे हो, 7 बज गए, सो ही रही थी, आराम फरमा रही थी, और कब ये बाप बेटे निकल गए शाम को मुझे पता तक नहीं चला, मैं इतनी गहरी नींद में थी, मतलब रात को नींद नहीं आई ठीक से। तो अब मतलब ऐसे सो रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं, ये लोग चले गए, पिता के पापा को चाय भी देना नहीं हुआ, अभी दूध चढ़ा दिया है, माँ बेटे पियेंगे। और ये देखिए मेरा बच्चा खेल के आ गया, खेलने गया था, बहुत दिनों बाद आज खेलने को मिला ना। बहुत गर्मी है जी, बहुत ज्यादा, मैंने फैन बंद किया है आप लोगों से बातें करने के लिए, तो मेरा बच्चा एकदम पसीना पसीना हो रहा है। और ये मेरा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, कंप्लेंट के मारे मेरी तो मतलब मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं, मुझे लगता है मैं रांची पहुंच जाऊंगी पागल होकर। हाँ, इतने कंप्लेन, इतने कंप्लेन,
रांची पर तो तुम्हारा भाई का ट्रांसफर है। तो पाक उस हॉस्पिटल पे तो नहीं है ना, पागलों वाले हॉस्पिटल पे तो नहीं है ना, वहां मैं जाऊंगी तो मेरा भाई मुझे देखने आएगा, कहाँ है मेरी दीदी, कहाँ है मेरी दीदी करते करते आएगा। क्या किया है इसने, जो किया है मतलब लिस्ट बनेगा, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। चलिए जितना ही मुझे याद है, कल उसकी मैडम को मैंने फोन किया था, एक मैडम है जिन्होंने क्लास टीचर है, वो इतना सारा पेन लेकर जाता है, इंसान को एक दो पेन की जरूरत होती है, ये एकदम समझ ही लो कितना सारा लेकर जाता है, ऊपर से वो सब लेकर खेलता रहता है क्लास के टाइम, पेन फाइट चलता है, मतलब दोस्तों के साथ मार पिटाई लगा रहता है उस पेन सब लेकर। तो ले लिया था इसका, तो ये 10 दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, मैडम को फोन करो, मैडम को फोन करो, मैडम को बोलो पेन वापस करें, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैडम ने बोल दिया था उसे कि अगर गार्जियन फोन नहीं करेगा तो पेन वापस नहीं मिलेगा। मुझे फोन करना पड़ा, 10 दिनों से मैं नहीं कर रही थी, मैंने सोचा जाने दो, एक बार पेन चला जाएगा तो इसको थोड़ी अक्कल आएगी, तो मैंने फोन नहीं किया था। हंसी देखो, हंसी देखो। तो वो उसके लिए फोन किया तो कितना कुछ मालूम चला, सुनो। पहले पहली बात तो इसको अलग से खड़ा रहकर फिर मैथ करवानी पड़ती है मैडम को, देखो झूठ बोलता है। मैडम ने बोला इसको साइड में खड़ा रहकर रखकर मैं इसे मैथ करवाती हूँ, नहीं तो एक हफ्ते के लिए। और कुछ कुछ खुद से जाते हैं जो लास्ट बेंच में बैठे रहते हैं, और कुछ कुछ जो बदमाशी करते हैं उसको भी ले जाया जाता है, नीचे बैठा जाता है। ये अपनी बोलता जाएगा। तो मैडम ने जो बोला मैं बोलती हूँ साइड में रखकर खड़ा रखकर फिर मुझे मैथ करवानी पड़ती है, कर देता है ठीक ठाक, ऐसे बच्चा ठीक ही है पढ़ाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदमाशी इतनी ज्यादा करता है कि क्या बोले। तो इसको तो मैं बोल बोल कर थक गई, समझा कर थक गई, मैं क्या करूं बोलिए। हाँ, ऊपर से पेन फाइट। हाँ, और क्या बोला मैडम ने, हाँ बहुत झगड़ा करता है, मतलब मुझसे जैसे झगड़ा करता है लड़ता है, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा करता है स्कूल में, ट्यूशन से भी कंप्लेन आ चुकी है, कोई ऐसी ट्यूशन नहीं है जहां से कंप्लेन नहीं आई है, झगड़ा करता है, बदमाशी करता है, ऐसे ब्रिलियंट है, ऐसे बच्चा ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कोई मन नहीं है, तो ब्रेन लेकर क्या करेंगे। हाँ, अगर पढ़ाई ना करो तो ब्रेन को लेकर क्या करेंगे, बेच दो जाओ बाजार में, है ना, निकल के बेच दो ना। हाँ, अगर पढ़ाई करनी ही नहीं है तो भगवान ने जो दिया है बुद्धि दिया है उसको इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो उसकी जरूरत क्या है, है? बदमाशी में इस्तेमाल करोगे तो। और आज भी तबीयत थोड़ी डाउन है, कुछ ऐसा मैं ब्लॉग बना नहीं पाई सुबह से, जितना कल तुमने मुझसे पहले झगड़ा किया था। अच्छा ठीक है, कल मुझसे झगड़ा हुआ था इसके साथ। हाँ। और मैं ही झगड़ा करती हूँ, झगड़ा करती हूँ किस बात के लिए, बोल लो ना। वो सोच छोड़ो, नहीं किस बात के लिए पहले बोलो। दो आइसक्रीम जो कुल्फी लाया था कल, मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, तो झूठा कर दिया दोनों को। नहीं, एक को झूठा किया था मैंने, देखा दोनों को झूठा किया था, उसने बोला एक को झूठा किया, फिर फ्रिज में रखने गया था, इसलिए मैं गुस्सा हो गई। झूठी चीज मैं रखती नहीं फ्रिज में, कोई झूठी चीज कि मैं किसी के साथ नहीं रखती, फ्रिज में नहीं घर में कहीं नहीं रखती, झूठा कर दिया खा लो नहीं तो फेंक दो, बस इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तो मैं क्या करूं इस बच्चे का, बोलिए आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। तो इधर बैठ गए, नहीं तो इसे आप लोग देख नहीं पा रहे हो, इसका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हो, इसका एक्सप्रेशन जीना हराम करके रखा है मेरा। कभी कभी लगता है एकदम मार ही डालो गला दबा के, नहीं जी एक ही बच्चा है कैसे मार दू, नहीं जी रहने दो, एक ही तो मेरा बच्चा है। हाँ तो झेलो, और क्या झेलना पड़ेगा। उसके पापा तो कुछ सुनते ही मार पिटाई शुरू कर देते, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती,
उसके पापा, इसलिए कभी कभी मुझे बोलते हैं तुम ही इसके मतलब बिगड़ने का जो कारण है वो तुम छुपाती हो इसलिए ये बिगड़ता है, ये सब बोलते हैं मुझे। सच बात ही है, सब कुछ बोल दूंगी अभी तो पापा, सब कुछ बोल दूंगी। ठीक है तो जी, चलो बहुत गर्मी है, सब बहुत ज्यादा बकबक कर लिया, कल मिलते हैं एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। टाटा, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी।